in this session we have to highlight the theoretical framework and regarding this theoretical framework actually we are trying to understand different school of thoughts and the first school of thought is the pluralist school of thought because pluralist school they actually consider voting and free elections as the best ingredients of democracies

अपनी मर्जी से वोट कास्ट करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो इसका मतलब क्या है डेफिनेटली इसका मतलब यह है, है कि हम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं देन अनदर मॉडल इज एलिट मैनिज मॉडल दिस फ्रेमवर्क इंटरप्रेट्स दैट इलेक्शन एंड वोटर्स आर मेयर टूल्स इन हैंड्स ऑफ दोज फ्यू हु एंजॉय द रियल पावर ऑफ पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग इनका ये ख्याल है कि ठीक है लोग वोट देते हैं इसकी अहमियत है लोगों की रिप्रेजेंटेशन है रिक्वायर्ड है वो भी बात सही है लेकिन असल पावर का मंबा है वो लोग जो डायरेक्टली पावर का हिस्सा बन जाते हैं यानी जो जीतने के बाद जो हैं नुमाइंदे मंतख होंगे असल पावर को तो वही इंजॉय करते हैं लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर लोग अपने वोट से अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं तो यकीनन उसी वोट से वो उन लोगों को हटा भी सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास बहर हाल पावर जो है वो मौजूद है एक और इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थाट दैट इज़ क्लास थेरीज़ क्लास थेरीज ऑल्सो बिलीव दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ नन लाइक लोअर मिडल एंड वर्किंग क्लासेज ऑन द लीडरशिप एंड देयर डिशन इज़ वेरी लो दिस बिलीव in potential powers of working classes but consider elections and voting as a legitimizing tool of existing system under the perspective of class theories they believe that the lower middle class and even the working class although they have a little power but actually for the winning of someone for the representative elections, actually, the voting power is in the hands of all these classes. So, in every type of system, class matters, although it varies from system to system and from uh, the uh, method of elections uh, that also varies within the different systems. So, they may define democracies in a variety of ways, just as Uh, the political sociologists they define that the bourgeoisie democracy is a regime in which the exploiting minority rules by means of a system of legally free popular election They believe that ठीक है लोग मजोरिटी से इलेक्शंस जीत जाते हैं। But what about the minority? That minority means वो लोग जो बहुत कम वोट्स हैं जिनके कैंडिडेट्स हारते हैं। तो इन दोनों की कंपनसेशन कैसे होगी तो रिप्रेजेंटेशन का मेथड ऐसा होना चाहिए जो जस्टिफाइड हो जिसमें लोगों के नंबर ऑफ वोट से ज़्यादा ये बात काउंट करे कि लोगों का फैसला जो है कितना सही और कितना मुनासिब है देन नेक्स्ट कम द पॉइंट ऑफ रेशनल चॉइस रेशनल चॉइस प्रस्पेक्टिव एज्यूम्स दैट एवरी इंडिविजुअल हु हिज कॉन्शियस एंड रेशनल

तो असल में वो किस चीज़ को मद्देनजर रख कर फ़ैसला करें वो चीज़ उनकी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि अगर उन्होंने कोई गलत फ़ैसला कर लिया तो लॉन्ग टर्म में उसकी प्राइस सिर्फ उनको पे नहीं करनी पड़ेगी बल्कि पूरे निज़ाम को पे करनी पड़ेगी तो रेशनल चॉइस देने वालों का ये फिलॉसफी देने वालों का ये ख्याल है कि लोगों को अकली तोजीह की बुनियाद पर सोच समझ कर फैसला साजी में हिस्सा लेना चाहिए और वोट देते हुए सोच कर फ़ैसला करना चाहिए देन इनदर स्कूल इज़ द पोस्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ थाट इनका ये ख्याल है कि आजकल की दुनिया के अंदर देर आर वेरियस आइडियोलॉजीज देन द वेरियस आइडियोलॉजी मीन्स दैट देर आर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ब्यूरोटिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ये सब जो डिवीजन है आर्डियोलॉजिकल डिवीजन है सिस्टम्स के अंदर वेरिएशन है तो ये सब की सब इन्फ्लुएंस करती है लोगों की पार्टिसिपेशन को सो दिस ऑल सिचुएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द क्लासेस इन द नेशन स्टेट्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस तो इन सब को देखते हुए जिस बात को ध्यान में रखना है कि वोटर की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो किन बेसिस पर डिटर्मेंड होती हैं then the institutional and political culture approach they also believe in that there are variety of institutions and people must think about the performance of the institutions and the promotion of the culture जैसे uh, हमने देखा दुनिया के अंदर कास्ट और पर U S के अंदर विभिन्न किस्म की movements चलीं विभिन्न किस्म की ideology कल base जो हैं social oriented movements जो हैं वो वहाँ के culture का important part है और उससे जो सीखने की बात है वो ये है कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब वो फ़ैसला करें अपने हक राय दही का तो वो बहुत अक्ल की बुनियाद पर देखते हुए कि उसके असरात निज़ाम पर क्या होंगे उसके मुताबिक उन्हें फ़ैसला करना चाहिए